नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। इंदौर की सांसद सीट से 8 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन द्वारा अपना नाम वापस लिए जाने के बाद अब इंदौर से कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट हो गई है और कांग्रेस का ये मानना है कि यही मौका है जब इंदौर सीट पर फिर से कब्जा किया जा सकता है। अभी तक ताई के कारण कांग्रेस के सभी दिग्गज एक के बाद एक परास्त होते रहे, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब ताई चुनावी मैदान में नहीं है और ऐसे में कांग्रेस इंदौर सीट को लेकर गंभीर चिंतन मनन में जुट गई है। ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी सबसे अच्छा विकल्प भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ही रहेगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला और कोई नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में इन दिनों राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि कैलाश विजयवर्गीय भाजपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस किसी भी स्थिति में इंदौर सीट को खोना नहीं चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी 8 बार जीती हुई इस सीट को किसी भी तरह से बनाए रखे और इसके लिए उनके पास सबसे मजबूत नेता कैलाश विजयवर्गीय ही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.